गुरुग्राम में व्यू सोसाइटी के 140 परिवारों को मिलेगा नया आशियाना। एनबीसीसी ने नई सोसाइटी को किया बेकार घोषित। ग्रीन व्यू सोसाइटी के निवासियों को 1 मार्च तक करना पड़ेगा घर शिफ्ट। घर शिफ्टिंग का खर्चा एनबीसीसी करेगी। साइबर सिटी के सेक्टर 109 में चिंटल हादसे के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 37D में बनी न्यू ग्रीन सोसाइटी के 140 परिवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। जिला प्रशासन व एनबीसीसी ने इस सोसाइटी को बेकार घोषित कर दिया है और यह कहा कि यहां रहने वाले लोगों को घर खाली करने का निर्देश दिया है। सोसाइटी में रह रहे 140 परिवारों को घर बदलने के दौरान होने वाले खर्चे को एनबीसीसी स्वयं वहन करेगी। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। मेरा नाम ऐसी कौशिक है, मैं D1103 में रहता हूं। मैं यहां AOAO एसोसिएशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी हूं। सर, क्या कुछ परेशानियां आ रही है और क्या कुछ जिला प्रशासन ने आपको बोला है? हमने जो है गवर्नमेंट बीइंग, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, एनबीसी से फुल फेथ करके हमने यहाँ पर जो है पैसा इन्वेस्ट करके एक फ्लैट लिए था। मेरी सारी रिटायरमेंट के इन्वेस्टमेंट सारे उसी में थे। 3 साल के अंदर इसके अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो गए थे और हमने एज ए एसोसिएशन कंटिन्यूसली प्रोसेस किया, परस्यू किया ताकि इनको डिफेक्ट्स को दूर करें, पर एनबीसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। काफ़ी परस्यू करने के बाद आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट आई और आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट ने जो है एक टावर के बेस पर, जी टावर के बेस पे ये कह दिया कि ये बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग अनसेफ है। एक चिंतल के इंसिडेंट हो गया, उसकी वजह से ये एनबीसीसी ने गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया और ये कहा कि फ्लैट्स वेकेट कराए जाएं। डीसी ने डीएम में एक्ट के अंदर हम सभी को ये आदेश दे दिया कि 1 मार्च तक ये सारे फ्लैट्स खाली कर दिए जाएं, बल्कि हमें उसके इवेज के अंदर अभी तक कोई कंक्रीट प्रपोजल नहीं मिला कि हम कहाँ जाएं, अपना सामान लेके इतना जाएं। हमने पूरा पैसा इन्वेस्ट किया है, इंटीरियर कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, इसका कोई भी एश्योरेंस ना तो एनबीसीसी ने आज तक दिया कि हम आपको इतने दिन में रिफंड करते हैं। डीसी ने सिर्फ ये कहा है कि एनबीसीसी को कि आप इनको पैसा विद इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा। अब हम इस लायक नहीं है कि हम कहीं जाकर बात कर सकें, कहीं जाकर फ्लैट ले सकें। और जहाँ तक फ्लैट रेंट की बात है, रेंट इन्होंने इतना कम रेंट दिया है, उस रेंट पे कहीं पर भी 12 रुपये पर स्क्वायर फीट पे दिया है, कहीं पर भी हमें अवेलेबल नहीं है। और जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बताई हैं, अभी तक इन्होंने सिर्फ कागज़ पर बताई हैं, अभी हमें तक कोई लिंक नहीं दिया कि हम किससे जाकर बात करें कि ये प्रॉपर्टी कैसी है और क्या नहीं है। एक इनकी एनबीसीसी हाइट का है, एनबीसीसी हाइट में जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने दे रहे कि वो भी एक स्ट्रक्चरल इशू वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर भी कोई नहीं जाना चाहता। इसलिए इस वक्त हम इतने परेशान हैं, हमारी फैमिली इतनी मेंटल स्ट्रेस के अंदर है कि कुछ कहने की हद नहीं। हम कहीं पर भी ये सोच रहे हैं कि आगे भगवान के भरोसे छोड़ दिया, आगे जो हमारा होगा वो भगवान ही होगा। तो सर, अब रिफंड को लेकर अब क्या कह रहे हैं एनबीसीसी के लोग, और अब मार्च तक का टाइम दिया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कहाँ जाएंगे आप अगर पैसा नहीं मिला तो आपको मार्च तक? तो रिफंड जो ये मेन इशू आया था अक्टूबर 2021 के अंदर, अक्टूबर 2021 से हम लगातार कह रहे हैं कि आप हमें रिफंड दीजिए। एनबीसीसी ने 4 महीने तक कुछ भी ये नहीं किया है, कोई एक्शन नहीं लिया रिफंड का बारे में, कोई एश्योरेंस नहीं दी है कि हम रिफंड इतना दे देंगे। हाँ, डीसी के सामने, डीसी वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो मीटिंग हुई थी उसमें चेयरमैन ने कहा भाई हम जो है वो डीसी के कहने पे भी इंटरेस्ट देंगे, पर कितना इंटरेस्ट देंगे ये नहीं बताया। हमने, हमारी डिमांड ये थी कि जब हम डिफ़ॉल्ट कर पे थे तो हमारे पास 15% इंटरेस्ट इन्होंने चार्ज किया है, और इसलिए हमारी मेन डिमांड है अगर ये एनबीसीसी का डिफ़ॉल्ट है, एनबीसीसी ने एडमिट किया हुआ है, हर अथॉरिटीज़ के आगे एडमिट किया हुआ है कि ये उनका डिफ़ॉल्ट है, जब उनकी तरफ से डिफ़ॉल्ट है तो 15% का इंटरेस्ट के साथ हमें अपना पैसा मिलना चाहिए ताकि हम इस लायक हो सकें कि कहीं हम आसपास अपने लिए कोई घर ढूंढ सकें। सर, सेक्टर 37वीं सोसाइटी में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही गई है, क्या है? सेक्टर 37D में जो एनबीसीसी के द्वारा एनबीसीसी ग्रीन व्यू नाम की सोसाइटी बनाई गई है, उसमें टोटल 40 odd रेजिडेंट्स हैं जो हाई स्टोरी फ्लैट्स में रह रहे हैं और 100 के करीब EWS फ्लैट्स के लोग हैं। एक IIT दिल्ली की रिपोर्ट आई थी जो कि कंडक्ट कराई गई थी, बिकॉज जो वहाँ की बिल्डिंग्स थी उसमें काफ़ी अनोमलीज आने लग गई थी, दरारें आने लग गई थी। तो IIT दिल्ली की रिपोर्ट थी अक्टूबर 2021 की, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर्स को अनसेफ बताया और ये कहा कि विद इन 2 मंथ्स रेजिडेंट्स को यहाँ से शिफ्ट कर लिया जाए, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है।
उस सिलसिले में हमने कल जो बिल्डर हैं, जो एनबीसीसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू है, उनको और रेजिडेंट्स को बिठा के एक मीटिंग की थी। और उसमें हमने एक जो बीच का रास्ता वो ये निकला कि 1 मार्च तक रेजिडेंट सारे फ्लैट्स खाली कर देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी सेफ नहीं है। और जो जहाँ भी रेंट पे रहने के लिए जाएंगे तो सारे जो रेंट है वो एनबीसीसी बियर करेगा। जो ट्रांजिशन चार्जेस हैं, जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं सामान वगैरह शिफ्ट करने का, वो भी एनबीसीसी देगा। और 1 महीने के अंदर अंदर एनबीसीसी इंटरेस्ट के साथ पूरी अमाउंट रिफंड करेगा फ्लैट होल्डर्स को, ताकि वो अपना कहीं और सेटल हो सके। और उसके बाद एनबीसीसी जो भी रिपेयर वर्क्स हैं या डिमोलिशन करके दोबारा से बिल्डिंग बनाना, वो अपना काम आगे टेकअप करेगा। सर, चिंतल के बाद 30 ऐसे बिल्डर हैं जिनकी कार्यशैली कटघरे में, क्या कहेंगे आप? सभी जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हमने डीसीपी को डायरेक्शंस दी हैं कि उन सब की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएं, ताकि कहीं भी इस तरह की दुर्घटना जो है वो दोबारा से ना दोहराई जाए। और पूरी कोशिश रहेगी कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी रेगुलर बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे चेक होती रहे, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सीएम साहब ने भी कहा था कि जितनी भी ऐसी बिल्डिंग है उनका खाका तैयार करके 2 महीने में रिपोर्ट दें, तो कितने की कार्रवाई? वर्कआउट जो है अभी चल रहा है, आईआईटी दिल्ली को लिख दिया गया है। और भी जो कि क्योंकि ये बहुत सारी संख्या में इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स आएंगी, तो और भी संस्थान ड्रॉप इन किए जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि विद इन 2 मंथ्स हम सारी की सारी का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा दें।